brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. चीन भारत के हर कदम से बौखला गया है। भारत कुछ प्रत्यक्ष तौर पर करे या अप्रत्यक्ष तौर पर, या फिर उसका भारत से कोई लेना देना ही क्यों ना हो, चीन भारत के साथ पंगा लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। भारत सरकार को हर मौके पर घेरने की कोशिश में जुटा चीन अब एक एक कर मुद्दों को कुरेद रहा है, उन मुद्दों को भी जिन मुद्दों से भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं। अब ताइवान के विदेश मंत्री का एक इंटरव्यू किसी भारतीय चैनल ने लिया। चीन को इस बात से दिक्कत हो गई कि कैसे किसी टीवी न्यूज चैनल ने ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू ले लिया। अब क्योंकि वो मीडिया चैनल भारतीय था, तो चीन ने मीडिया का गला घोटने की कोशिश की और मीडिया पर ही तरह तरह के सवाल और आरोप दाग दिए। अब इससे ताइवान के विदेश मंत्रालय को गजब का गुस्सा आ गया और गुस्सा आते ही भारत के लिए ताइवान ने चीन को खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये बयान है जो ताइवान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, क्योंकि सख्त लहजे से भरा ये ट्वीट सीधा सीधा चीन को चेतावनी थी और इसके साथ ही चीन के रवैये को लेकर रियलिटी चेक भी। दरअसल कुछ समय पहले मीडिया चैनल वियोन के साथ ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू के साक्षात्कार को लेकर चीन में हड़कंप मचा है। चीनी दूतावास ने साक्षात्कार की कड़ी निंदा की और इसका विरोध किया। बयान में ताइवान को लेकर चीन ने कहा कि चीन दृढ़ता से ताइवान की एक स्वतंत्रता की दिशा में अलगाववादी कदमों और बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप का विरोध करता है और किसी भी रूप में ताइवान की स्वतंत्रता ताकतों के लिए कोई जगह नहीं देता है। यानी यहाँ पर चीन ताइवान को घेरने के लिए भारी शक्ति यानी भारतीय चैनल को भी कटघड़ी में खड़ा कर रहा है। अब बस इसी पूरे मामले को लेकर ताइवान को गुस्सा आ गया। ताइवान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। ताइवान की तरफ से कहा गया कि उन चीनी कम्युनिस्टों को ये समझ में नहीं आता, ताइवान एक स्वतंत्र देश है और स्वतंत्र रहने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि वो प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उन्हें लोकतंत्र से दूर रहना चाहिए। भारत और ताइवान के लोगों की इच्छा का सम्मान करना सीखें, ठीक है। और बेइज्जती और सीधे सीधे चेतावनी से भरा ये ट्वीट चीन के हवाले कर दिया, जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।